नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मीडिया से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक और बैंक डूब गया है, लोगों का पैसा लेकर डूबा एक और सहकारी बैंक। उसके कुछ कारण थे, जिनमें से मेन कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बात करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को टिक करें, जिससे कि आपको आपके फ़ायदे वाली न्यूज़ समय से मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद अब एक और बैंक CKP कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है। RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द करके इसके कामकाज के ऊपर रोक लगा दी है। CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए RBI ने कहा, इस बैंक की वित्तीय हालत बेहद खराब है। इस बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ विलय का अभी कोई भी ठोस योजना सामने नहीं आई है। बैंक के प्रबंधकों ने बैंक की हालत को ठीक करने के लिए कोई भी विश्वसनीय कार्य नहीं किया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने और इसकी संपत्तियों को बेचने की घोषणा करने के साथ ही DICGC एक्ट 1961 के मुताबिक CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाने की जो प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के नियमों के मुताबिक अधिकतम मैक्सिमम 5,00,000 रुपये तक की रकम दी जा सकती है। RBI ने कहा है, बैंक की गतिविधियां सार्वजनिक हितों और जमाकर्ताओं के हितों के उलट रही है और मैनेजमेंट का कामकाज भी लोगों के हितों के उलट है, जमाकर्ताओं के हितों के बिल्कुल ही नुकसानदेह है। RBI ने कहा है कि बैंक की वित्तीय हालत यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है। इस बैंक का किसी और बैंक के साथ मर्ज करना या किसी और बैंक के साथ मिलाने का कोई भी ठोस योजना नहीं है। बैंक को ठीक करने के लिए कोई भी बैंक के प्रबंधकों ने कोई सही से योजना लागू नहीं की है। RBI ने कहा है कि बैंक को ठीक करने के लिए उसकी वित्तीय हालत जितनी होनी चाहिए थी उसके आसपास भी नहीं है, जबकि बैंक को काफ़ी समय और मौका दिया गया था। RBI ने कहा है कि इसलिए अगर बैंक को आगे और कामकाज करने की छूट दी जाती है तो उसके ग्राहकों का जो हित है उसका बहुत ही नुकसान होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि CKP बैंक के जो नेटवर्थ है उसमें गिरावट इसके लाइसेंस रद्द करने का कारण बना है। साल 2016 में बैंक की नेटवर्थ 230 करोड़ थी और जो कि अब के घट के 146 करोड़ ही रह गई है। RBI द्वारा लाइसेंस को रद्द करने से बैंक के करीब 11,500 जमाकर्ताओं, निदेशकों और 1,25,000 के करीब खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की FD भी आधार में अटक गई है। मुंबई के माटुंगा में इस बैंक का हेड ऑफिस है और मुंबई और ठाणे में इसकी 8 शाखाएं हैं। मुंबई और ठाणे में फैला ये बैंक 104 वर्ष पुराना है। वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बटन को टिक करें ताकि आपको टाइमली न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।